वेलकम टू अबाउट एवरीथिंग चैनल। पूरा वीडियो देखना एक से समझने के लिए हम सबको यही बताया गया है कि 1969 में अमेरिकी एजेंसी नासा का अपोलो यान चंद्रमा पर गया था। वहां एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग ने न सिर्फ चहलकदमी की थी बल्कि अमेरिका का झंडा भी गाड़ा था। क्या आपको लगता है कि हमें बचपन से बताई और पढ़ाई गई इस पूरी कहानी का हर एक भाग सच है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह एक झूठ था जिसे अमेरिका ने रूस को नीचा दिखाने के लिए बोला और दिखाया था? हकीकत में इंसान कभी चांद पर पहुंचा ही नहीं। सारी घटनाएं स्टूडियो में फिल्माई गई थी। आपको शायद पता नहीं होगा कि अमेरिका में ही एक शोध में 20% लोगों ने इंसानों को चांद पर पहुंचने की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। उन लोगों का साफ कहना है कि इंसान ने कभी चांद पर कदम रखा ही नहीं था। जो भी दृश्य लाइव दिखाए गए थे वे केवल स्टूडियो में बनाए गए थे। लोगों का कहना है कि इसी को बनाने के दौरान अमेरिका से कुछ गलतियां हो गई जो सबूत के तौर पर सामने है। कैसे लहराने लगा अमेरिका का झंडा? लोग जो सबसे पहला सवाल उठाते हैं वह है अमेरिका का झंडा जिसे अंतरिक्ष यात्री अपने साथ ले गए थे। जब उन लोगों ने चंद्रमा की सतह पर झंडा गाड़ा तो वह लहरा रहा था। सवाल यह है कि जब चांद पर वायुमंडल ही नहीं है तो वहां हवा कैसे आई जिससे झंडा लहराने लगा? क्यों नहीं दिख रहे तारे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो तस्वीरें नासा ने भेजी उनमें चांद से आकाश पर तारे क्यों नहीं दिख रहे हैं? चंद्रमा पर न तो प्रदूषण है न ही बादल, फिर क्यों तस्वीरों में इक्का दुक्का सितारे ही नजर आ रहे हैं? इस सवाल का जवाब नासा आज तक नहीं दे सका है। रेडिएशन क्षेत्र को कैसे किया पार? धरती से ऊपर जाने पर एक क्षेत्र पड़ता है जिसको वेन एलिन रेडिएशन बेल्ट कहते हैं। यह क्षेत्र धरती की मैग्नेटिक फील्ड में ही आता है। यह ऐसा क्षेत्र है जिसको पार करने की कोशिश में पूरा यान ही जल जाता। सवाल है कि नासा के यान अपोलो ने इसको पार कैसे किया? 1969 में वैज्ञानिकों के पास ऐसी तकनीक ही नहीं थी कि इस क्षेत्र को पार कर पाए। सी लिखा हुआ पत्थर कहां से आया? शोध में लोगों ने सवाल उठाया कि नासा की फोटो में एक जगह पत्थर पर सी लिखा हुआ था, वह पत्थर वहां किसने रखा? ऐसे पत्थर तो स्टूडियो में रखे जाते हैं। लोगों का कहना है कि चूंकि सारे सीन स्टूडियो में शूट हुए इसलिए किसी ने गलती से वहां पत्थर रख दिया। कई जगह से आती रोशनी। एक सवाल यह भी है कि चांद की सतह की तस्वीरों में कई जगह से रोशनी आ रही है जबकि वहां पर तो प्रकाश का एक ही स्रोत है धरती। इसका मतलब साफ है कि ये स्टूडियो की लाइट है जो वहां रोशनी कर रही है। सबकी परछाई अलग अलग। लोगों ने एक और बड़ा सवाल उठाया है कि आखिर फोटो में अलग अलग परछाई अलग अलग एंगल और आकार की दिखाई देती है, ऐसा कैसे हो सकता है? वहीं एक फोटो आर्मस्ट्रांग की फोटो है, उनके हेलमेट में एल्ड्रिन की फोटो दिख रही है, उनके हाथ में कैमरा नहीं है, तो आखिर वो तस्वीर किसने खींची थी? क्यों रची थी अमेरिका ने ऐसी साजिश? लोग कहते हैं कि रूस को नीचा दिखाने के लिए पूरी कहानी अमेरिका ने स्टूडियो में रची थी लेकिन दुनिया के सामने उसे मून लैंडिंग के रूप में पेश किया था। मित्रों, ऐसी और रोचक खबरों को जानने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब अस for latest updates.